कौन है? मेघा, मेघा से मिलने जाना है। हमें कब से मिलने के लिए जा रहा हूं? तू इस वक्त कहीं नहीं जाएगी, यही बैठी रहेगी। अरे अगर बाहर गई ना, या तो तेरे को गोली मार देंगे या वापस पागलखाने में डाल देंगे। देख, ये लड़ाई अकेली तेरी नहीं है, मेरी भी है। अरे बिटिया माना है मैंने मेघा को? हमें जाना होगा घर से मिलने हमारे मेघा के। श्वेता को उस घर से निकाला है, हमें जाना होगा। एक मिनट बैठ। खाक छोड़ती हूँ मैं तेरे, यही रहे, बाहर नहीं जा सकती। अरे मेघा समझाना अपनी माँ को। माँ प्लीज। ये सारी मिटा देगी अम्मा, भरोसा कर। एक बार रास्ता साफ हो गया, जिधर जाना जा, अम्मा रोकेगी थोड़ी। बस एक मौका दे अम्मा, देगी ना? बाबूजी, को नहीं लगता कि ये घर हर रोज एक नया अपशकुन लेकर आता है? लगता तो है बेटा, जरूर लगता है, लेकिन इस सबसे बाहर निकलने का कोई उपाय भी तो नजर नहीं आ रहा। एक उपाय है बाबूजी। हर साल हम इलाहाबाद में नवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया करते थे, दुर्गा माँ की मूर्ति की स्थापना किया करते थे, और बाबूजी इस सब की शुरुआत आप ही ने तो की थी। याद है आप कहते थे कि मूर्ति की स्थापना करने से सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है। याद है बेटा, मुझे सब याद है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कुछ मानता नहीं है। बाबूजी हम जानते हैं कि इस बार नवरात्रि की पूजा माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना रिमझिम के बिना अधूरी है,
लेकिन बाबूजी हम ये पूजा उसी के लिए तो कर रहे हैं, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है बाबूजी। इस घर में दुर्गा की प्रतिमा की पूजा जरूर होनी चाहिए, आखिर हमें बुरी शक्तियों का अंत जो करना है। ठीक है, अगर अगर तुम सब यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। इस साल हम नवरात्रि की पूजा खूब धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन भाभी जी, मुश्किल तो ये है कि नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है, तो हमारे घर में पूजा कब शुरू होगी? आज से ही, आज कलश स्थापना होगी और चतुर्थी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना होगी। महाराज जी, खान जी, मालिक, देखिए आज ही इस घर में कलश की स्थापना होनी है। जाइए जरा पंडित जी को बुला लाइए महाराज जी। चला जी बाबू जी। अरे भैया, इन फोटो का जुगाड़ कैसे किया तूने? अरे बहुत ही आसान तरीका अपनाया दीदी, कैमरा लेकर छुप गया घर के बाहर, घर के अंदर आने जाने वाले लोगों की तस्वीरें उतारता रहा। अब आने जाने वाले लोगों में घर के लोग तो होंगे ही। सही कहा इकबाल भैया, ये हमारे घर वालों की फोटोग्राफ्स। फोटो देखते ही रोने लगी, वहां जाएगी उनके सामने तो क्या होगा? हाँ, लोगों की तस्वीरें देखकर बहुत याद आ रही है। मिलने का बहुत मन कर रहा है। तू अपने घर वापस जाएगी, अम्मा ने वादा किया ना, बस। चलो मेरे को ये तो बताओ कौन कौन है, ये तो पता चला माजा की उल्टा सीधा कर दिया मैंने। हाँ नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने इस बात का भी एक आइडिया सोच लिया। ओम माधवाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, हस्तं प्रक्षाल्यं ऋषिकेशाय नमः, स्वस्ति वाल्यं कुर्यात्। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाहा, स्वस्ति न पूका विश्ववेदाहा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिहि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम दत्रांदय, ओम रक्षामन, ओम जिनबंधु बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल, तेन त्वं प्रतिवदनां रक्षेमाचलमाचल, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो। नीचे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विक्की चलो। किस मुंह से जाऊं मिशा नीचे? मन में इतना बड़ा पाप का बोझ लेकर पूजा में शामिल नहीं हो जाता। आज घर में नवरात्रि की पूजा चल रही है और उस पूजा में ना तो रिमझिम आंटी है और ना ही मेरी बहन देखा। रिमझिम आंटी के वचन और मॉम की कसम की वजह से। लेकिन ईशा, तब मुझसे ऐसा बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी जाकर सबको सच सच बता दूंगा। कलश की स्थापना हो रही है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है? दादाजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात। नहीं नहीं, जो बात करनी होगी पूजा के बाद करना। दादाजी प्लीज मेरी बात तो सुनो। बेटा, पूजा से जरूरी कोई काम नहीं हो सकता। चलो तुम दोनों भी पूजा में आ जाओ। शाबाश।
विकी, मैं मेघा बोल रही हूँ। विकी, मैं मेघा बोल रही हूँ। हाँ विकी, प्लीज अभी कुछ मत बोलना, सिर्फ मेरी बात सुनो। किंतु मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और माँ भी मेरे साथ है। हम लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेघा, तुमने उन लोगों को गांव के पीछे वाले रास्ते से आने को बोला था ना? हाँ भैया, मैंने तो यही आने को कहा था। कहाँ रह गए? नहीं मेरी बहन, तुम मुझे माफ कर दो। मैं ही समझ नहीं पाया, तुम आई थी मुझसे माफी मांगने और मैंने तुम्हें धुतकार कर भगा दिया। I'm sorry, मेघा। नहीं भैया, प्लीज माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, लेकिन मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि माफी भी मांगू तो किस मुंह से? जो हो उसे भूल जाओ, बस तुम हमें वापस मिल गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भैया, आपने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन क्या ईशा मुझे माफ कर पाएगी? तुम्हारी आंखों में जो बचत आपके आंसू है, उसे देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए। मैं क्या पत्थर से भी बेजान हूं? नहीं ईशा, पत्थर तो मैं थी जो आज तक अपने लोगों के प्यार को नहीं समझ पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी माँ का साथ उस वक्त दिया जब मैं अपनी माँ की दुश्मन बनी बैठी थी। ईशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ईशा, बस इतना करना कि मुझे कभी अपने दिल से दूर मत करना।
गया रोना धोना। हाँ बैठ काम की बात कर। मेरा नाम अम्बा, तुम दोनों मेरे को नहीं जानते हो। विक्की है, ईशा। पागल करने आए थे ना रिमझिम से मिलने, वो साली वार्डन ने मिलने नहीं दिया था, देखा मैंने। रिमझिम आंटी, आप ही बताइए हमें अब आगे क्या करना। विक्की किसी तरह से अम्बा को उस घर में ले जाना। रिमझिम आंटी, इन्हें घर लेके जाना होगा। क्यों, क्या खराबी है मेरे में? मैं इसकी मौसी बन के नहीं जा सकती क्या? अम्बा ऐसे ठीक करती है लोगों को, समझा नहीं समझा? हाँ समझ गया मैं। क्यों ईशा? हाँ बिल्कुल समझ गई। क्यों मेघा? हाँ हाँ मैं भी एकदम समझ गई। क्यों माँ? हाँ हम सब समझ गए। मेरे को कुछ समझ नहीं है। आंटी और ये मेरे पापा। अब तुम सब रहने, हमारी अम्मा जैसी हैं बहुत अच्छी। क्या खराबी है? जैसे जाना है, जो कपड़े पहनने हैं, जैसे बाल बनाने हैं, वैसे जाओ। अम्बाज तुम्हारी वजह से हमें हमारी मेघा मिल गई, हमारी बेटी हमारे पास है। हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया हम उसका एहसान कभी नहीं उतार सकते। एहसान मतलब मेरी बहन जैसी है तू तो।